स्वर्गीय पंडित ओमकार तिवारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो अपराजित विधायक के चुनाव में कभी उन्हें परास्त नहीं कर सका। मध्य विधानसभा में लंबे वक्त तक वह विधायक रहे। प्रदेश सरकार ने उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा गया, जहां पर पंडित ओमकार तिवारी को अपने समय में भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। पंडित स्वर्गीय ओमकार तिवारी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और मिलोनीगंज स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शहर की सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर पंडित जी को याद किया और उनके स्मरण सुनाए, साथ ही में सभी ने श्रद्धा पुष्प अर्पित किए। भाई राजावस्थी जी, वरिष्ठ नेता भाई श्रीराम शुक्ला जी और आयोजक समिति पाठक जी, सभी यहाँ पर सम्मानित जन, ऐसा लगता नहीं है कि पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार इतने की शैली उनकी स्मृति को जीवित रखे हुए हैं। हम उनके परिवार का और धन्यवाद देते हैं। पंडित ओमकार तिवारी जैसे निर्भीक थे, ऐसे दबंग नेता बहुत कम पैदा होते हैं और हम उनके सानिध्य में 1980 में हमने भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आए थे। उनके काम करने की शैली देखकर उनके प्रभाव अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये भाव थे सम्मानी श्री मनसा वाचा कर्मणा से समाज के लिए राजनीति के लिए समर्पित पूर्व मंत्री और अपराजेय विधायक, यानी एक ऐसे विधायक जो कभी चुनाव में परास्त नहीं हुए, शून्य से शिखर की यात्रा करने वाले ओंकार प्रसाद तिवारी, उनका जीवन दर्शन मानवता को समर्पित रहा। आज हम सब उनके 22वीं पुण्य स्मरण पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। संस्कारधानी जबलपुर की कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, धर्म और अध्यात्म से जुड़े व्यक्तित्वों और प्रतिभाओं को आज के दिवस पर हम समादरित सम्मानित करते हैं, लेकिन इस वर्ष ये आयोजन स्थगित किया गया है कोरोना महामारी के कारण। स्वर्गीय पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी, जिन्होंने अपना जीवन मूलतः मानव सेवा के लिए समर्पित करते हुए समाज को और राजनीति को सार्थक दिशा प्रदान की, आज उनके द्वारा किए गए कार्य संस्कारधानी जबलपुर की गौरव गरिमा का प्रतीक है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजेश पाठक प्रवीण। आज हमारे पिता स्वर्गीय ओमकार प्रसाद तिवारी, पूर्व राज्य मंत्री, आज निर्भय दिवस के रूप में आज 13 सितंबर को 22 वर्ष पूरे हुए हैं। निर्भय दिवस हमारे पिता निर्भय होकर अपनी बात, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, लोगों की सेवा करना ही उनका एक धर्म था। जीवन भर उन्होंने जो अति शोषित, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके जीवन भर उनका सहारा बने। जीवन में एक ही लक्ष्य था कि हर जो आदमी उनके पास आए वो निराश कभी ना लौटे। उनका एक ही कार्य था जीवन भर, केवल सेवा भाव। और उन्होंने तन मन धन से संस्कारधानी व पूरे प्रदेश में, और जो भी लोग कहीं से भी आए, कोई भी क्षेत्र से आए, उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, आप अपनी केवल परेशानी बतलाइए, उसे हर संभव दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। आज निर्भय दिवस के रूप में यहाँ पर उपस्थित भाई पूर्व महापौर भाई प्रभात साहू जी, विधायक कैंट क्षेत्र भाई अशोक रोहाणी जी के विधायक भाई विनय सक्सेना जी, JDA के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विनोद मिश्रा जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाई भरत सिंह यादव जी,
भाई MIC सदस्य नगर निगम में भाई श्री राम शुक्ला जी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय रवि गुप्ता जी, हमारे राजेश पाठक प्रवीण जी, उन्होंने मंच का संचालन किया और हमारे क्षेत्र के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी जो अहम भूमिका निभाई, मैं अपने ओर से अपने पूरे परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पिछले वर्ष व इस वर्ष कोरोना काल के कारण जो हम सम्मान समारोह करते थे जबलपुर नगर के व आसपास के क्षेत्रों के जो हमारे युवा युवतियाँ जिन्हें हम सम्मान दिया करते थे, लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष और इस वर्ष यह कार्यक्रम बहुत सीमित रूप में किया गया है। आने वाले समय में हम अच्छे वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।